नमस्कार दोस्तों, जालंधर जिला में बिलगा कस्बे के पास एक छोटा सा गांव है ओजला। ओजला गांव में 1933 में एक बच्चे ने जन्म लिया, बेहद साधारण परिवार में। उनका नाम रखा गया बख्शीराम। बख्शीराम बड़े होते होते जैसे 7 साल के हुए तो उन्हें एक चेचक नाम की उन दिनों की बीमारी जो कि लाइलाज मानी जाती थी उसने घेर लिया और उसके कुप्रभाव से उनकी दोनों आंखें चली गई। दुर्भाग्य आप कहेंगे इसे, लेकिन बख्शीराम ने ऐसा जीवन जिया कि इसी दुर्भाग्य को सौभाग्य बना लिया। आंखों की रोशनी उनकी चाहे चली गई, लेकिन मन की रोशनी से वो आज के महान संगीतकार हैं। और सैकड़ों विद्यार्थियों ने उनसे शिक्षा ग्रहण करके न ही केवल संगीत के जगत को चमकाया है, अपने जीवन को भी उन्होंने नया रंग दिया है, नया रूप दिया है। तो आज हम टी पॉइंट के इस प्रोग्राम जिसमें हम कहते हैं कि आओ बात करें, इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं बहुत ही महान संगीतकार बख्शीराम जी के बारे में। आइए उनसे सीधे सवाल करते हैं और उनके जीवन को जानने की कोशिश करते हैं। और मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो घंटी का बटन है वो जरूर दबाइएगा, क्योंकि ऐसा करने से आपको सारे अपडेट सबसे पहले आपको मिलने लग जाएंगे। तो सीधे चलते हैं, आपकी साधना कैसे शुरू हुई, कहां से शुरू? ये मैं बचपन में 7-8 साल की उम्र में नेत्रहीन हो गया, तो उसके बाद उन दिनों में समाज में ऐसा ही होता था कि जो नेत्रहीन हो गया ये संगीत के में लाइन में ज्यादा ठीक रहेंगे। अच्छा। और दूसरी चीज मेरा मुझे शौक भी था, तो उससे मैंने सबसे पहले संगीत के लिए अपने गुरु ढूंढे, तो वो भाई अमरीक सिंह रागी जो पाकिस्तान से आए थे, जलंधर रेडियो स्टेशन से शब्द कीर्तन गाते थे। अच्छा जी। तो उनको उनके पास रिक्वेस्ट की और उन्होंने मान लिया कि भैया मैं सिखाएंगे, लेकिन 5 साल रहना पड़ेगा जी। 5 साल मैंने उनके पास सीखा और उनके साथ जलंधर रेडियो स्टेशन पर भी जाता रहा, भाई अमरीक सिंह रागी और साथी के नाम से प्रोग्राम। तो पूरा समय 5 साल उनके साथ ही रहे? 5 साल उनके साथ रहे। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने उनसे प्रार्थना की, भाई मुझे अब शौक आगे देखने का है, क्योंकि वहाँ अच्छे अच्छे कलाकारों से मिलने के बाद पता लगा कि शास्त्रीय संगीत बहुत आगे नहीं, इतना तक सीमित नहीं है कि सिर्फ राग और गाए जाए, और आगे भी है, शब्द कीर्तन तक नहीं, आगे भी है। हाँ जी, हाँ जी। फिर मैं मुझे किसी दोस्त ने एक कागज ला के दिया जो ब्रेल सिस्टम में लिखा हुआ था। अच्छा जी। उन्होंने बताया कि नेत्रहीन पढ़ते भी हैं, लिखते पढ़ते लिखते जब मैं लिखा हो तो उसके ऊपर उभरे हुए अक्षर थे जैसे खसखस के दाने होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ऐसे उभरे हुए, और उससे मैंने एक अंदाजा लगा, मैंने कहा जो वो नेत्रहीन करते हैं ना मैं जरूर कर सकूंगा। ठीक है। तो उसका पता लगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का TCAB नाम से ट्रेनिंग सेंटर है देहरादून में। देहरादून में। अच्छा जी। तो वो मंसूरी रोड पर है, तो वहाँ मुझे किसी ने कहा वही पता करो। अच्छा, फिर आप वहाँ पे गए? वहाँ में एक लड़का वहाँ का हमारे आस पास के गाँव का जो है वो छुट्टी आया हुआ था, वहाँ से निकला था, उससे मिला मैं। उसने कहा मैं हफ्ते जाना है तो फिर मैं ले चलता हूँ। अच्छा। उनके साथ में गया, वहाँ गए तो मेरे को जाते ही दाखिला मिल गया। ठीक है। तो मैंने वहाँ अपनी पढ़ाई शुरू कर दी, वहाँ दस्तकारी वगैरह भी होती थी, म्यूजिक भी था, तो मेरी म्यूजिक में ज्यादा रुचि रही। मतलब ब्रेल जो थी, जो एक व्यवस्था थी, उसने आपकी दुनिया खोल दी। ब्रेल वहीं जाके मैंने सीखी है, और ब्रेल से मतलब जो भी चीज हम कुछ भी कहना चाहते हैं, जो हम सुरक्षित रखना चाहते हैं उसमें लिख के अपने पास रख लेते हैं, पत्र व्यवहार भी होता है। अच्छा। किताबें भी पढ़ने को मिलती है, जैसे हमारे घर में ये रामायण भी थी, गीता भी थी, सारा ब्रेल में अवेलेबल, और ये भक्त वाणी यानी शब्द अपने श्रोमणी कमेटी द्वारा किताबें, बहुत सारी
मान में रखी गई है, पढ़ते थे। उसके बाद वहाँ दाखिल होने के बाद कई चीजें दस्तकारी भी सिखाते थे, लेकिन मेरी रुचि ज्यादा संगीत की तरफ थी। हाँ जी। तो मैंने 4 साल रहने के बाद डिप्लोमा, सीनियर डिप्लोमा पास किया वहाँ। अच्छा। उसमें इतने अच्छे नंबर आए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने मुझे स्कॉलरशिप दे दिया आगे सीखने के लिए। वाह जी। तो कितना स्कॉलरशिप मिलता था उन दिनों में? 115 रुपए। अच्छा, ये किस सन की बात है? लगभग ये सन 57 की बात है। अच्छा, 115 रुपए। हाँ जी, ठीक है। तो वो उसको लेके फिर उन्होंने नाम बताया, भाई आप किसी इंडियन को गानों में जा सकते हैं या किसी बड़े उस्ताद के पास। अच्छा। तो फिर मैं गंधर्व महाविद्यालय दिल्ली में जाकर मैंने दाखिला लिया। अच्छा, वो तो बहुत बड़ा संगीत का बहुत बड़ा विद्यालय है। बहुत बड़ा विद्यालय, बहुत मशहूर है। तो वहाँ के तो स्टूडेंट जो दिल्ली में भी सीखते हैं, जो गंधर्व महाविद्यालय के मतलब सीखने वाले विद्यार्थी, वो अपने आप को गौरव महसूस करते हैं कि हम गंधर्व महाविद्यालय के शिष्य हैं। उसका मेयार स्तर बहुत माना जाता है संगीत। तो वहाँ मैं उस विद्यालय के साथ 14-15 साल जुड़ा रहा, सीखा। पहले जिस 2 साल के लिए मिला था डिग्री करने के लिए, उसमें बहुत अच्छे नंबर आए। फिर एमए करने के लिए मिल गया, उसकी एमए का नाम है संगीतालंकार। अच्छा। संगीतालंकार मैंने तबले में किया, उसके बाद संगीत प्रवीण गायन तानी के मैं संगीत गया, इसका मतलब समाज में सम्मान नहीं है, और मैं जब तक इसको सम्मान नहीं बताता तब तक आराम से नहीं बैठूंगा। अच्छे घर का था। अच्छा। काफी पैसा मुझसे लग गया। सबसे पहले 1901 में लाहौर में संगीत विद्यालय खोला जी। तो वहाँ उन्होंने फ्री सिखाना शुरू किया, लोग इकट्ठे किए शिष्य, काफी शिष्यों को सिखाया। जब कभी पैसा खत्म हो जाता था दुकानों से चंदा भी मांग लेते। अच्छा। उससे जाकर खाने पीने का चलाते। तो उनके शिष्य अभी तक भी मेरे ख्याल 50 साल पहले तक जीवित थे। दिल्ली में कई लोगों से घेर हुआ, जैसे घर घर जाके लोगों के प्रचार किया, कहीं भी कोई प्रोग्राम हो, सत्संग का हो, कोई दूसरा हो, सब में हिस्सा लेते थे। तो आपने भी उसी तरीके को अजमाया अपने सिरसा में या आसपास? सिरसा में बिल्कुल प्रचार नहीं था, पर मैंने इसी तरीके को अपनाया कि भाई किसी के सत्संग है चाहे किसी भी धर्म का, सब में हम हिस्सा लेते थे। ठीक है। तो उससे काफी बच्चों में शौक पैदा हुआ, और जब मैं आया था 4 स्टूडेंट थे, और जब तक मैंने छोड़ा था एक एक क्लास में कम से कम पहले जो शुरू होते थे 100 के करीब आते थे, और आखिर तक फाइनल में जाते जाते 35-40 तो होते ही थे बच्चे। देखिए दर्शकों, आप देखिए कितनी ये प्रतिबद्धता है और कितनी लगन है और कितना ये तप है संगीत के प्रति। बख्शीराम जी ने कैसे किया, घर घर गए जाके, जागरण में और सत्संग में उन्होंने बजाया, लोगों को पता चला कि संगीत ये होता है। ये कितनी बड़ी चीज है और कितनी ऊंची चीज है संगीत। और बच्चों में रुचि पैदा हुई, जिस कॉलेज में एक क्लास में 4 बच्चे होते थे वहां 100-100 बच्चे आने लगे। और संगीत का ये किस तरह से एक अपने आप में महाविद्यालय है बख्शीराम जी। यहाँ पे आप देखिए उनकी जुबानी हम सुन रहे हैं कि उनकी जीवन की यात्रा और संगीत की यात्रा, संगीत की यात्रा के बारे में हमने बात की, उनके जीवन की यात्रा के बारे में, उनका परिवार में कौन कौन लोग हैं, उनकी जीवन उनका कैसे चल रहा है। बख्शीराम जी बताइए, आपके परिवार में बच्चे क्या करते हैं, कैसे? मैं वैसे तो मैंने पहले सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा, मेरी शादी होगी। अच्छा। लेकिन दिल्ली में ही था जब मैं, तो एक नेत्रहीन लड़की बहुत योग्य थी, बहुत होशियार थी। अच्छा। तो उनके मन में पता नहीं कैसे आया, उन्होंने अपने माता पिता से बात की और मेरे पास आए खुद लेके अपने माता पिता को। अच्छा। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि हम चाहते हैं कि शादी हो जाए आपके। अच्छा, किस साल की बात है ये? है 1963 की। अच्छा। 1963 में मेरी शादी हुई है। अच्छा। उसके बाद देखो 5-4 साल में वाला हूँ, 2 बच्चे भी हो गए थे। अच्छा। फिर यहाँ आए तो यही बच्चे, बाकी मेरे 7 बच्चे हैं, 6 लड़कियाँ। अच्छा। लड़का छोटा है, तो लड़का है वो ऐसा, आपको पता बर्बाद मतलब समाज में ऐसी धारणा होती थी लड़का होना जरूरी है। हाँ जी, हाँ जी। तो इसलिए
वो चलो कृपा हुई भगवान की, लड़का भी हो गया और सभी बच्चे बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, एमबीए से कम तो कोई भी नहीं है। बेटियां सब सब बेटियां, दो पीएचडी हैं, एक डॉक्टर है, बेटा इंजीनियर है और बेटियां तकरीबन सारी लेक्चरार थी, सब छोटी डॉक्टर जो है वो बहुत बड़े हॉस्पिटल। मतलब आप आपने और आपकी धर्मपत्नी ने अपने शारीरिक में एक कमी होने के बावजूद भी आपने ऐसे अपने बच्चों को काबिल बनाया, पढ़ा। बहुत मेहनत की, मैंने संघर्ष बहुत किया जी जी। जब तक यहाँ रहा हूँ सवेरे 6 बजे उठ के मैं ट्यूशन पढ़ाता था। अच्छा। और 9:30-10 बजे 4 ग्रुप में काम देता था, उसके बाद कॉलेज जाता। अच्छा। कॉलेज से आने के बाद थोड़ा आराम करके 4 से 5, 5 से 6 घर निकलता है। अच्छा। उसके बाद जो स्पेशल सीखते सेट होकर बच्चे को नहीं भेजना चाहते उनकी गाड़ी 4-6 बजे आ जाती, 6 से 7 एक जगह था उनके घर पे जाके फिर वो दूसरी गाड़ी पे आ जाती। अच्छा। एक बच्चे को साथ जाता जो बच्ची पढ़ती थी, ठीक है, अपनी किताब ले जाती वहाँ साथ बैठी पढ़ती रहती थी। तो इस तरह से 10 बजे तक मैं पढ़ाता, बहुत बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है और उससे बच्चे सारे लैग भी बढ़े और बच्चों में जो हमने शिक्षा दी, जैसे टी वी रेडियो होते हुए भी कभी हमारे आगे के घर को बात ना कभी टी वी लगाते थे ना सुनते थे, जो कुछ सुनने के लिए टाइम बनाया होता था उसके हिसाब से जाते थे। तो ये अनुशासन तो उनके काम आया ना, फिर ये अनुशासन तो उनके काम आया, उनका समय बच गया, उन्होंने अपना फोकस किया अपने काम पे। सभी बहुत मतलब अपने कॉलेज स्कूल में पहले दूसरे नंबर पर ही रहते थे सब बच्चे जी जी। बेटा इंजीनियर है, वो डीजीएम हो गई उसकी सेंट्रल गवर्नमेंट में, डीएम अपना ये BSNL नाम मुझे बताया था, BSNL में वो है। हाँ जी। तो बाकी बड़ी बड़ी बेटी डिप्टी डायरेक्टर है चंडी हायर एजुकेशन में। हाँ जी। सबसे छोटी डॉक्टर है, बाकी सारी लेक्चरार हैं और ऐसे दमाद भी सब, दो डॉक्टर हैं, बिग बिग मैनेजर हैं, प्रिंसिपल हैं, दो इंजीनियर हैं अच्छे पदों पर हैं, सभी सभी बच्चे दमाद सभी क्लास वन में हैं। गुरु जी आपकी उम्र अब कितनी हो गई आज? अब मेरी उम्र 85 साल की है। अच्छा अच्छा। मेरा जन्म 1933 का है। अच्छा अच्छा। 85 साल, ठीक है। तो 85 साल आपने जिंदगी में बिताए और 85 साल में बहुत सारा लगभग जीवन आपका संगीत को समर्पित रहा। जब से मैंने संगीत शुरू किया है 4 बजे उठने का था मेरा। अच्छा। अब भी 4 बजे उठता हूँ, तब मैं अभ्यास करता था, अब सुबह सुबह थोड़ा योगा अभ्यास प्राणायाम कर लिया रहता हूँ तो जिससे थोड़ी सेहत ठीक रहती है। तो आगे आप क्या भविष्य देखते हैं हिंदुस्तान में, इस भारत देश में जो हमारा संगीत है उसका क्या भविष्य है, जो आजकल संगीत में जो कुछ हो रहा है? संगीत में आजकल वैसे ये शास्त्रीय संगीत में तो रुचि लोगों की कम है। हाँ जी। ज़्यादातर जो ये लोक संगीत है जैसे पंजाब में खास करके लोकगीतों पंजाबी गीतों का जो आज पंजाब में जैसे है पंजाबी के गीत, और ये ज्यादातर इसमें पाश्चात्य संगीत का सारा ज्यादा लेने लग गए, क्योंकि बाहर के मुल्कों में ज्यादा घूमते हैं, पैसा काफी मिल जाता है, ठीक है, सिर्फ पिक्चर्स कर दिया, लेकिन हमारा जो असली संगीत है ना, हमारा उसकी जो थोड़ी कम हो गई है, मतलब जो उसकी मिठास है अपने लोकल जो संगीत, हमारा स्थानीय जो संगीत, हमारा संगीत में बहुत शांति भी है, बाहर के जो मुल्कों के लोग हैं वो हमारे संगीत की तरफ आ रहे हैं लेकिन हमारे उधर जा रहे हैं, क्योंकि हमारे संगीत में उन्होंने ये फर्क है कि हमारा जो संगीत है इसमें शांति मिलती है जी जी, बहुत टिका हुआ है, मिलता है, सोचता हूँ कि बच्चों को जरूर सिखाना चाहिए, शास्त्रीय संगीत ही असली संगीत है, बाकी सब कुछ इसी से निकलता है जी। और ये बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए और खास करके फायदेमंद होते हैं, मान लीजिए अगर सब कुछ नहीं भी करवाना चाहते वो घर बैठे भी अगर चाहे तो वो बच्चों को सिखा सकते हैं बड़े शहरों में, तो जी जी ट्यूशन वगैरह मैंने आपको सही बताऊँ, मैंने जितना सर्विस में रहा उतना पैसा नहीं कमाया होगा जितना बाद में मेरे पास ट्यूशन से जी जी, और इसीलिए सब बच्चों को लाइक बनाया अच्छा लाया, इससे आप अपना परिवार भी चला सकते हैं संगीत की सेवा। और उन्होंने पहले तो मैं सोच रहा कि मैं किसी के सहारे शायद रहूँ जी, उसके बाद तो मैं दूसरों को सहारा दे सकता। क्या बात है, क्या इतना मतलब मैंने किया है, बहुत बढ़िया। तो आप भी मेरी तो बहुत इच्छा है, हालांकि
उम्र इतनी है लेकिन मैं खाली बैठ के खुश नहीं कर सकता, बच्चे सीखते रहे। क्या बात, अब भी आप चाहते हैं कि बिल्कुल सिखाते जाएं और बच्चे जितने बच्चे हैं वो अच्छे बन के ही निकलते हैं मेरे पास। मैं मन से सिखाता हूँ, वो सीखने वाले सीखते भी अच्छे हैं। और कुछ लोग होते हैं नहीं भी बच्चे सीखते, जो शौक के लिए ग्राम से भी सीखते हैं, वो तो फिर वैसे रहेंगे जैसे रुचि होती किसी की। तो इसी तरह से चल रहा है अभी मेरे मन में यही है, इसलिए के प्रति भी लोग अच्छा सीखे हैं, शास्त्रीय संगीत की तरफ झुकाव होना चाहिए सबका, और यही सही संगीत है सच्चा संगीत। तो दर्शकों, मैं आपसे एक बात यहाँ पे साझी करना चाहता हूँ। आज के समय में मैं देखता हूँ कि जो नौजवान लोग हैं वो उस बार फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं कि क्या करें क्या ना करें। उनको बख्शीराम जी से सीखना चाहिए, 85 साल की उम्र में भी वो उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी है, वो आज भी काम करना चाहते हैं, आज भी वो चाहते हैं कि और बच्चे सीखें, जितने बच्चों को सिखा सकते हैं, जितने टैलेंटेड कलाकारों को आगे ला सकते हैं वो लाएं। ऐसी अगर उम्मीद हम अपने जीवन से रखें तो जीवन क्यों नहीं सफल होगा। आज का कार्यक्रम आओ बात करें हम इसके साथ ही समाप्त कर रहे हैं। बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि बात करने से ही बात बनती है। धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।